नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ातरीन खबर पर एक नज़र। शरद ऋतु के शुरू होते ही संपूर्ण भारत में चारों ओर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माता के दरबार सजाए जाते हैं, जहां सुबह और शाम आरती होती है तथा सभी लोग माता की भक्ति में सराबोर नजर आते हैं। जनपद झांसी के कस्बा बबीना में भी विभिन्न स्थानों पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के दरबार सजाए गए हैं, जहां माता की प्रतिमा को भव्यता प्रदान करते हुए सुबह और शाम आरती की जा रही है, जिसमें प्रत्येक झांकी पर सैकड़ों की संख्या में माता के भक्तों का आना जाना बना हुआ है। इस वक्त संपूर्ण नगर माता की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। बबीना मेन रोड की अगर बात करें तो नए थाने के सामने और ब्लॉक कार्यालय के पास माता की झांकियां सजाई गई हैं, तो वहीं जल निगम कार्यालय के सामने स्थित शंकर जी के मंदिर के पास भी माता का दरबार सजाया गया है। इसके अलावा मातन मोहल्ला में भी माता का दरबार लगाया गया है। साथ ही साथ माता मोहल्ला में स्थित प्राचीन माता के मंदिर को भव्यता प्रदान की गई है, जहां सुबह और शाम सैकड़ों माता के भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। यहां एक छोटा सा मेला भी लगाया गया है, जिसमें दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं, जहां पुलिस का कड़ा पहरा है। रेलवे स्टेशन रोड की अगर बात करें तो यहां दो स्थानों पर माता की झांकियां सजाई गई हैं, एक झांकी कैंट ऑफिस के बगल में तो दूसरी राजा तालाब मोहल्ले के पास सजाई गई है। आपको बता दें कि बीते सोमवार की रात कैंट ऑफिस के पास सजी माता की झांकी पर नवोदय प्लस टाइम्स के बबीना संवाददाता विजय वर्मा और गौरव कुमार ने आरती की रस्म अदा की। आरती के उपरांत संपूर्ण प्रांगण माता के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन